विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार ये छापा बीजेपी विधायक के घर पर पड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ बीजेपी विधायक खुद ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी इससे इनकार कर रही है, जिसके बाद इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या है मामले का पूरा सच? क्या बीजेपी के दबाव में ईडी ने छापे से किया इनकार? देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के बस्ती से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि ईडी उनके यहां छापा मारने गई थी, लेकिन ईडी ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार कर रही है। दरअसल बस्ती की हरैया सीट से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम जाँच के लिए उनके लखनऊ स्थित कार्यालय पर पहुंची, लेकिन कार्यालय बंद था। बीजेपी विधायक ने बताया कि सुबह सुबह उन्हें सूचना मिली कि ईडी की टीम उनके कार्यालय पर पहुंची है, जिसमें कुछ लोग वर्दी में हैं और कुछ लोग बिना वर्दी में हैं। लेकिन बुधवार को उनका कार्यालय बंद रहता है, लेकिन ईडी ने इससे साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी ने वाकई में छापा मारा था या नहीं, और अगर मारा भी था तो अब इनकार क्यों? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी ने कार्रवाई तो की, लेकिन अब बीजेपी के दबाव में उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। विपक्ष पहले से ही ईडी व अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर मोदी सरकार की कठपुतली बनने के आरोप लगाते आया है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर केवल विपक्ष के ही नेताओं पर कार्रवाई करता है। ऐसे में बीजेपी नेता के कार्यालय पर छापे की खबरों से इनकार ने विपक्ष के इन आरोपों को आधार दे दिया है और ईडी को सवालों के घेरे में ला दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।